वेलकम टू माय चैनल मेरी चुफाल। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बेबी का फ्रॉक। तो बेबी के फ्रॉक का जो अपर साइड है उसका हम अभी मेज़रमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं नेक का मेज़रमेंट, जो मैंने लिया है 3 इंच। तो हम भी अपने बेबी के हिसाब से ले सकते हैं। जो मैं फ्रॉक बना रही हूँ 4 to 5 ईयर्स के बेबी का है। तो यहाँ पर हमने लिया है नेक का मेज़रमेंट, जो हमने फिर उसमें डाल दी गोलाई। और अभी हम लेंगे फिर यहाँ पे कंधे का मेज़रमेंट, जिसको हमने लिया है 5.5 इंच। और कंधे की जो हमने गोलाई ली है वो भी हमने ली है 5 इंच। अब इसमें भी हम डाल देंगे गोलाई। और ये वाला निशान हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सिलाई करते टाइम हम इस टाइप में सिलाई करेंगे तो फिटिंग अच्छी आएगी। अब हम इसको कर देंगे कटिंग। अब हमने ये दोनों साइड सिल देनी है, दोनों पोर्शन हमने इसको सिल देना है। देखिए सिलने के बाद ऐसा बन के आया है। यहाँ पे ले लेंगे हम इस टाइप का कुछ कपड़ा, उसका हम ऊपर नीचे इसकी सिलाई लगा देंगे। सिलाई मैं लगाऊंगी यहाँ पे पीको। तो फिर हम इसमें बनाएंगे प्लेट्स। ये मैंने ऊपर से सिल दिया, यहाँ पे लगाएंगे हम सिलाई। इसकी हम बनाएंगे प्लेट्स जो हम नेक में यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्लेट्स बन चुकी है। अगर हमें चाहिए कि हमें और प्लेट्स बनानी है तो फिर हम साइड से धागा इसका खींच देंगे तो हमें जितनी प्लेट्स चाहिए और इजीली प्लेट्स बन जाती हैं। ये बहुत ईजी तरीका है किसी भी चीज़ में प्लेट्स बनाने का। तो देखिए ये काफ़ी अच्छी प्लेट्स बन गई है। अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हम धागे को और खींचेंगे, अगर नॉर्मल चाहिए तो फिर ये इतनी ही ठीक है। तो ये हमारी प्लेट्स बन गई हैं जो नेक में लगाने के लिए रेडी है। ये देखिए ये काफ़ी अच्छी प्लेट्स बन गई हैं। इसको हम खींच खींच के भी अपना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम यहाँ बैक साइड में बटन लगाने के लिए हम इसके काज बटन के लिए इसका एक पोर्शन बना लेंगे। यहाँ पे हम सिलाई, यहाँ पे हम काटेंगे गले के लिए तिरछा कपड़ा। तो अब हम इसको गले में जोड़ देंगे। गले में हम सीधी साइड से हम इसके गले के साथ इसको सिल देंगे तो ये पाइपिंग के काम आएगा। यहाँ से हम पूरी इसमें सिलाई लगा देंगे। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद उल्टे साइड से फिर हम इसको अंदर की तरफ मोड़ के हम इसमें सिलाई करेंगे, जो हमारा बन के आएगा पाइपिंग। अगर पाइपिंग पतली चाहिए तो हम इसको और पतला मोड़ेंगे, मोटी चाहिए तो मोटा रखेंगे। यहाँ पर हम पूरी इसकी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद ये ऐसा बन के आया है। अगर हमें चाहिए कि हमें इसको थोड़ा सा और करना है तो हम इसको दोबारा से एक फोल्ड और कर देंगे, या तो हम इसमें तुलपाई कर लें या फिर मशीन से सिलाई कर देंगे। ये हो चुका है। अब जो हमने ये प्लेट्स वाला कपड़ा बनाया है इसको हम नेक में जोड़ देंगे। इसको हम सीधे ही साइड से जोड़ेंगे। इसको हम यहाँ से पूरी सिलाई कर देंगे जहाँ पे से हमने इसको पाइपिंग बनी है। तो ये देखिए सारी सिलाई हो चुकी है, ये गन नेक की सिलाई हो चुकी है। और अब हम इसमें लगाएंगे लेस, जो दिखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। और आप देख चाहे तो चौड़ी लेस भी लगा सकते हैं, तो ये लेस हम इसमें लगा देंगे। मेरे पास पतली वाली थी तो मैंने पतली वाली लगाई। अब हम ऊपर के पोर्शन को दोनों को मिला के सिल देंगे और इसके बीच में हम लगा देंगे लेस, जो कि अगर फ्रॉक ढीला होगा तो ये पीछे से बांधने के काम आएगा और ये लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इसको बीच में रख देंगे और फिर हम इस पर सिलाई मार देंगे। ये देखिए हमारा ऊपर का पोर्शन है जो वो तैयार हो चुका है। अब हम नीचे का पोर्शन तैयार करेंगे। ये है नीचे का पोर्शन। इसमें भी हम प्लेट्स बनाएंगे जैसे हमने ऊपर वाले के लिए बनाई थी। इसका धागा खींच के हम अच्छे से प्लेट्स डाल लेंगे और नीचे से इसमें सिलाई नहीं है तो हम इसमें सिलाई कर देंगे। मैं इसमें पीको कर रही हूँ और वैसे हम सिलाई भी कर सकते हैं। और अब इसको हम जोड़ देंगे ऊपर वाले पोर्शन से। और ये देखिए काफ़ी सुंदर सा फ्रॉक बन के आया है और बहुत प्यारा लग रहा है। आप भी ट्राई करिए, अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।